पलसुद ग्राम पंचायत रेउजा में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्वसहमति से ग्राम जयस अध्यक्ष पद पर बिनाइजा जमरे और अन्य साथियों को पद नियुक्ति दी गई। देश के आदिवासियों को अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, चाहे सामाजिक लड़ाई हो या फिर राजनीतिक लड़ाई हो, क्योंकि आदिवासियों को संविधान में मिले प्रावधानों को धरातल पर एम्प्लीमेंट करवाने को लेकर ऐसे ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में जय सदस्यता अभियान चालू करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता सचिव और अन्य पद मनोनीत करके युवाओं को एक मंच पर करने और जयस को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाना, जिसका राष्ट्रीय जयस जिला प्रभारी डॉक्टर राजू पटेल के द्वारा नियुक्त प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष इंजीनियर निर्मल नरगावे, महासचिव मुकेश पटेल, मीडिया प्रभारी मुन्ना मोरे और जयस पदाधिकारी उपस्थित हुए। पलसुद से जाहिरिया डुडवे की रिपोर्ट। डॉक्टर राजू पटेल, आदिवासी संगठन जिला प्रभारी। किस तरह का आयोजन? हमारा हर ग्राम पंचायत में आदिवासी युवा शक्ति संगठन सदस्यता अभियान चालू है और सदस्यता अभियान में हर एक युवाओं को जुड़ना है और प्रत्येक ग्राम में अध्यक्ष सचिव घोषित करना। ये हमारी हर ग्राम पंचायत लेवल तक नहीं जुड़ जाता जब तक हमारे आदिवासी समाज खुद नेतृत्व नहीं करता, जब तक हमारी लड़ाई चालू रहेगी। ये संगठन आपको मजबूत होगा? बिल्कुल होगा। हमारे आदिवासी युवा शक्ति संगठन हमारे युवाओं का सहयोग है और प्रत्येक गांव में अभी से हमने चालू कर दिया है। प्रत्येक गांव में अध्यक्ष सचिव घोषित कर रहे हैं जो कि आगे जाके नेतृत्व देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।